नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। तुम्हारे सामने ये देखो 3 4 बार पूछा है, 2 से 4 मार्क का आएगा, ये काफी इजी है, इसको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। तुम्हारे सामने पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था स्टैंडर्ड 4 से 5 पॉइंट काफी है, और ये ड्राइंग तुम्हारे सामने आ रहा है। नाउ सिंपल सी भाषा में डिमांड कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे? ये तुम्हारा डिमांड कर्व हुआ, ये तुम्हारा सप्लाई कर्व हुआ, करेक्ट। नाउ सबसे पहले इसमें आओ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे डिमांड कर्व को? डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, करेक्ट। जो शेड्यूल है, जो टेबल है, उसका ग्राफिकल रूप यह है। सप्लाई कर्व को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। सो पहले मीनिंग बोल देना कि डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। नाउ ये जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है, बोलो क्या है? डायरेक्ट है क्या, इनवर्स है? कौन बताएगा? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है क्या, इनवर्स है? बोलो। इफ यू चेक आउट, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप इनवर्स है, सिंस ये घटता है तो ये बढ़ता है, और यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, करेक्ट। इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, इसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। नेगेटिव इसलिए कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको पॉजिटिव इसलिए कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है। सबको समझ में आ रहा है ये सब? नो यस सर। अपन जैसे ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं, वैसे ये पॉइंट बनाया गया है कि डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज डायरेक्ट, ठीक है। फिर ये जो घसरगुंडी है, स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट है, प्राइस घटता है तो ये बढ़ता है। ये एसएस का जो सप्लाई कर्व है, ये डायरेक्ट है, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ता है। यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, और लास्ट में तुमको एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ करना है। इस प्रकार से तुम्हारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्या सब लोग क्लियर है इस मामले में, ये सब नो? क्या सब लोग क्लियर है? क्या सबको समझा? यस और नो बोल, यस सर। बताओ। ओके नाउ हमने जो डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व किया है, उसका वैसे तो स्टोरी की जरूरत ही नहीं है, बट एक आइडिया किया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ। तुम क्या कर सकते हो, ऑफ कोर्स मीनिंग और जो तुम्हारा ग्राफ स्टैंडर्ड पॉइंट्स है। अब तुम क्या करोगे, शुरू करोगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर। लेफ्ट हैंड कॉर्नर क्या है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड लेफ्ट हैंड कॉर्नर है। उसके बाद थोड़ा सा राइट साइड आप, दैट इज स्लोप। ये स्लोप हुआ लाइन, ये जो लाइन है ना, अपन ने क्या किया, लेफ्ट में प्राइस और क्वांटिटी का संबंध देखा, फिर हम थोड़ा राइट आए लाइन में, ठीक है, स्लोप।
और फिर उसके और राइट में आए इक्विलिब्रियम, मतलब तुमको रट्टा कैसे मारना स्टोरी की जरूरत नहीं है। डिस्टिंग्विश का पॉइंट पहला मीनिंग लास्ट में ग्राफ, फिर पॉइंट नंबर टू ये देखो ये रिलेशनशिप, ये कर्व और फिर ये इक्विलिब्रियम, ऐसा लेफ्ट फिर थोड़ा राइट फिर एकदम राइट ऐसा, तो तुमको लेफ्ट राइट राइट से याद रहेगा, तो तुम्हारा आसानी से ये डिस्टिंग्विश लर्न हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड कर्व एंड सप्लाई।